नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं सुहास सोनी, कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैनल पर कंप्यूटर की क्लास। जैसा कि आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था, कंटिन्यू करेंगे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। पार्ट ज़्यादा हो रहे हैं इसी सब्जेक्ट के, क्योंकि ये मेन टॉपिक है आपका, बड़ा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, क्वेश्चन आने वाले टॉपिक है। हम पढ़ेंगे इसमें, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग पढ़ लिए हमने, ठीक है, और इसमें टेक्निक पढ़ ली हमने, प्रकार पढ़ लिए हमने इसमें। जिसने ये सब नहीं पढ़ा है वो पीछे वाली वीडियो में देख लेना। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य है हमने पढ़ तो लिया कि कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, कार्य नहीं करेगा। जैसे कि मोबाइल में अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड नहीं होगा तो मोबाइल भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके कार्य क्या होते हैं, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि अगर कंप्यूटर में कोई भी फाइल हमने बना रखी है उसको सेव करना है तो वो करवाएगा कौन, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएगा, निर्देश हम दे रहे हैं। किसी भी फाइल को ओपन करना है तो उसको ओपन कौन करेगा, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करेगा, ठीक है। अब हम इसके कार्य पढ़ लेते हैं, देखो इसके कार्य क्या होंगे। कार्य, कार्य देखो, एक तो इसका कार्य होता है सीपीयू प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या होगा, सीपीयू प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि सीपीयू को ही प्रोसेस बोला जाता है, प्रोसेसर बोल सकते हो और प्रोसेसर को ही सीपीयू बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा सीपीयू प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। पहला ये कार्य होता है, पहले हम कार्य इसके लिख लेते हैं। पहला कार्य हो गया सीपीयू प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा कार्य होता है मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा कार्य कौन सा हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो शेयर करते हैं भाई एक बार, ताकि और भी बच्चे इसको पढ़ सकें। दूसरा कार्य हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट। और तीसरा जो इसका कार्य होता है वो होता है डिस्क मैनेजमेंट। क्या हो गया, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तीन कार्य हो गए, सीपीयू को ही प्रोसेस बोला जाता है, मैनेजमेंट उसका मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट। अगला हम लिखते हैं इसमें, चार नंबर तो हो जाएगा इसमें, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। चार नंबर कौन सा हो जाएगा, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ठीक है। और पांचवा जो इसका कार्य हो गया, चौथा कौन सा हो गया, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, और पांचवा कार्य हो जाएगा इसमें एरर मैनेजमेंट, एरर मैनेजमेंट। और छठा जो इसका कार्य होता है वो होता है फाइल मैनेजमेंट, फाइल एमएनट मैनेजमेंट, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। अब आपको ये तो पता है कि इसके बिना, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, कोई भी कार्य नहीं होगी, कोई भी प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होगा जब तक है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। अब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य क्या करता है, इस पर कौन सा नियंत्रण रहता है, किन किन पर नियंत्रण रखता है, किन किन का मैनेजमेंट करता है, किन किन का संचालन करता है, तो उसकी बात आती है। ज़्यादातर ये जो इसके जो कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम के, नाम से ही पता चल रहे हैं आपके कि कौन कौन से कार्य किस काम के आते हैं। पहला आता है सीपीयू, होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। सीपीयू अगर कोई भी प्रोग्राम को प्रोसेस करता है, यानी कि प्रोसेसिंग मिलाता है, जो हमने कार्य दिया है कंप्यूटर को करने के लिए, उसको अगर पूरा करेगा तो वो किसकी सहायता से करेगा, वो करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से। यानी कि हमने कुछ भी निर्देश दिया कंप्यूटर को, उस निर्देश को सीपीयू तक पहुंचाने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, वो करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करेगा। कोई भी हमने निर्देश दिया किसी भी कार्य करने को चाहा कंप्यूटर में, तो वो जहां तक जाना चाहिए,
जो डिवाइस प्रोसेस करेगी वहां तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, वहां तक पहुंचाने का कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक योजक कड़ी भी है, ठीक है। यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या है, योजक कड़ी भी है, ये ध्यान रखना, योजक कड़ी, ठीक है। यूजर का काम करवाता है किससे, कंप्यूटर से, यानी कि प्रोसेस से, सीपीयू से काम करवाता है, तो वो कौन करवाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें सीपीयू प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें, कंप्यूटर में एक साथ में बहुत से हम निर्देश देते थे एक साथ में, जैसे हमने 10 कार्य के निर्देश दे दिए, ठीक है, कंप्यूटर को 10 कार्य करने के लिए एक साथ में निर्देश दे दिए, 10 प्रोग्राम चालू कर दिए, ठीक है, या फिर 10 कार्य करने के लिए कंप्यूटर को हमने दे दिए, उन 10 में से पहले कौन सा कार्य करेगा सीपीयू, ये कौन निर्धारित करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम निर्धारित करता है, ठीक है। जैसे हमारे सामने कोई भी वस्तु रख दे या फिर खाने पीने की वस्तुएं रख दे, तो उनमें से जो ज़्यादा स्वीट है, ज़्यादा मिठास वाली हो, वही हम पहले उठाते हैं, वही हम उससे पहले खाते हैं। तो कंप्यूटर में अगर एक साथ में कई निर्देश दे दिए जाए, तो उनमें से पहला कार्य कौन सा होगा, किसको पहले करवाना है, उसका निर्धारण कौन करता है, उस पर मैनेजमेंट कौन रखता है, उस पर मैनेजमेंट रखेगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम रखेगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब देखो उसमें से सीपीयू प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, यानी कि सीपीयू जो भी कार्य करेगा, जो भी प्रोसेस करेगा, वहां तक उस डाटा को पहुंचाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो सीपीयू और प्रोसेस पे मैनेजमेंट करने वाला कौन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। कंप्यूटर में कुछ भी कार्य होता है, एक साथ में कई कार्य करने के लिए कंप्यूटर को दे दिया जाए, तो उनमें से पहले किस कार्य को कंप्लीट करवाना है, उस पर मैनेजमेंट किसका रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है। दूसरी अगर बात आती है तो मेमोरी मैनेजमेंट की बात आती है। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होगा कि हमारे कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में कार्य करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों को मेमोरी में व्यवस्थित करने का जो कार्य रहता है वो किसका रहेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी, इसमें बात करी कि 10 निर्देश दे दिए, उनमें से पहले कौन से कार्य को करवाना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, सीपीयू से कौन से कार्य को करवाना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। और मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि कंप्यूटर में यही बात हो गई कि हमने एक साथ में 10 निर्देश दे दिए, ठीक है, उन निर्देशों को मेमोरी में किस प्रकार से व्यवस्थित करना है वो कौन करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। इसीलिए कहा गया है इसका कार्य मेमोरी मैनेजमेंट होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब संचालन करना, मेमोरी का संचालन करना, ठीक है। हमने जो प्रोसेस दिया है कंप्यूटर में वो कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके तो सेव होगा, तो एक साथ में हमने 10 कार्य कंप्यूटर में करने के लिए दे दिए, तो वो कौन सी मेमोरी में कहाँ जाना है, किस मेमोरी में कहाँ तक लेके जाना है, ये इसका कार्य कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। इसलिए कहा गया इसको मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि मेमोरी का मैनेजमेंट करना, मेमोरी का संचालन करना, डाटा को मेमोरी तक ले जाना और वहाँ से लाना, ये किसका काम हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हो गया, ठीक है। यानी कि मेमोरी में डाटा को मैनेजमेंट करके रखना, व्यवस्थित करके रखना, ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट। समझ में आ गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा अगर काम की बात करें हम ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है डिस्क मैनेजमेंट। और डिस्क मैनेजमेंट होता है डाटा को व्यवस्थित करना, ठीक है। इसमें तो क्या हो गया, मेमोरी में व्यवस्थित करना, और इसमें क्या हो गया, डाटा को व्यवस्थित करना, ये किसका काम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी काम होता है। कोई भी डाटा ले लो, ऑडियो ले लो, वीडियो ले लो, एप्लीकेशन ले लो, लेटर ले लो, कोई भी फाइल ले लो, वो क्या है, डाटा
उनको व्यवस्थित करना, उनका संचालन करना, ये किसका काम होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। और इसीलिए कहा गया है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क का मतलब यहाँ पे HDD से है, हार्ड ड्राइव डिस्क से है, यानी कि हार्ड डिस्क में डाटा को व्यवस्थित करना किसका काम होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा। अब आपको ये भी पता है कि हार्ड डिस्क जो होती है वो सहायक मेमोरी, वो परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, उसमें भी अलग अलग जगह डाटा को स्टोर करना होता है। तो उस हार्ड डिस्क में डाटा को व्यवस्थित करके रखना किसका काम हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हो गया, ऑपरेट करना हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में समझ में आ रहा होगा। डिस्क का मतलब क्या हो गया? हार्ड डिस्क में डाटा को व्यवस्थित करके रखना, या फिर कोई भी डिस्क है, कोई भी मेमोरी है, उसमें डाटा को व्यवस्थित करके रखना किसका काम हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हो गया, ठीक है। अगले की अगर हम बात करें तो इसमें है यहाँ पे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दी थी कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, कंप्यूटर को चलाना होता है, यानी कि इसमें कौन सा इनपुट आया, कौन सा आउटपुट जाना है, उस पर जो नियंत्रण करके रखेगा, उसका जो संचालन करके रखता है, वो कौन करके रखता है? वो रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, ठीक है। तो इसमें ये भी काम होता है इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट। ये किसका काम होता है? ये आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, यानी कि जितनी भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड ले लो, माउस ले लो, जॉयस्टिक ले लो, स्कैनर ले लो, और भी बहुत सारी BCR जो भी इनपुट यूनिट है जो हमने पढ़ी थी, कीबोर्ड वगैरह हो गए, तो उन पे जो नियंत्रण रखेगा, उन पर नियंत्रण कौन रखता है? उन पर नियंत्रण रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और वह कार्य क्या कहलाता है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। और जितनी भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, उन पर जो नियंत्रण रखेगा वो भी कौन रखेगा? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखेगा, ठीक है। अब जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर से हमने पेज को प्रिंट करना चाहा, ठीक है, 10 पेज हमने दे दिए, 10 पेज प्रिंट करने हैं, तो हमने तो निर्देश दिया है कंप्यूटर को प्रिंट करने के लिए, और प्रिंटर से जो पेज जो प्रिंट करवा रहा है वो कौन करवा रहा है? उस पर जो संचालन है, उस पर जो नियंत्रण है, वो किसका है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस, और भी बहुत आउटपुट डिवाइस होती है, जैसे मॉनिटर होती है, मॉनिटर पे हमने क्या किया, कोई भी रिजल्ट करना चाहा, जैसे 5+5 करना चाहा, इसका आंसर आता है 10, तो ये जो 10 रिजल्ट है ये हमें सबसे पहले कहाँ पे दिखाएगा? मॉनिटर पे दिखाएगा। और मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर तक पहुँचाने का कार्य किसका है? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो यानी कि जितनी भी इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस हैं, उन पर सारा का सारा जो नियंत्रण रखता है वो कौन रखता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। इसीलिए इसको कहा गया ऑपरेट करना, संचालन करना, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कीबोर्ड, माउस वगैरह ये कुछ भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि चलेगा ही नहीं कंप्यूटर तो काम कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट। अब देखो अगले की बात आती है एरर मैनेजमेंट, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम में एरर को बग कहा जाता है, ये ध्यान रखना। कोई भी प्रोग्राम में एरर आता है उसको क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी भी प्रोग्राम में आए एरर को क्या कहा जाता है, या फिर त्रुटि को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बग कहा जाता है। तो एरर वाले कोई भी प्रोग्राम है उसका जो मैनेजमेंट करता है उसका भी कौन करता है? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल हमने लिया एरर का, कोई भी मिस्टेक आ जाती है प्रोग्राम कंप्यूटर में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? देखो, कोई भी मिस्टेक आ गई, जैसे हमने कंप्यूटर से, प्रिंटर से 500 पेज प्रिंट करने के लिए कहा, ठीक है, क्या कहा? कंप्यूटर से 500 पेज प्रिंट करने के लिए कहा, हमने तो निर्देश दे दिया। अब प्रिंट करवा कौन रहा है? वो करवा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है, ठीक है। प्रिंटर तक मैसेज किसने भेजा? ऑपरेटिंग सिस्टम तक, ऑपरेटिंग सिस्टम ने भेजा, 500 पेज प्रिंट करने के लिए कह दिया, ठीक है। उसमें से 100 नंबर का पेज है वो जाम हो गया,
क्या हो गया, 100 नंबर का पेज है 99 तक कंटिन्यू आते गए और 100वां पेज क्या हो गया, जाम हो गया। तो आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर नाम आएगा पेपर जाम, पेपर जाम्ड, ठीक है, यानी कि पेपर जाम हो गया, मॉनिटर की स्क्रीन पर मैसेज आएगा। वो मैसेज कौन दिलवा रहा है, वो मैसेज दिलवा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम दिलवा रहा है, ठीक है। आप जैसे आपने कीबोर्ड बीच में से हटा लिया, चलते हुए कंप्यूटर में कीबोर्ड बीच में से हटा लिया, तो उसमें से कीबोर्ड नॉट फाउंड ये मैसेज आएगा स्क्रीन पर। वो स्क्रीन पर जो मैसेज प्रदर्शित कर रहा है वो किसका, कौन कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है। या फिर 500 पेज में से आपके 100 पेज निकल गए और बाद में पेज क्या हो गए, खत्म, तो पेपर नॉट फाउंड ये भी मैसेज स्क्रीन पे कौन देगा, ये भी देगा एरर मैनेजमेंट कहा जाता है, और ये देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर में चलते समय आपकी स्क्रीन पर कोई भी मैसेज आता है किसी भी मिस्टेक का, किसी भी एरर का, तो वो आपको स्क्रीन पर देने का कार्य कौन करता है, वो देता है ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, ठीक है। ऑपरेट कर रहा है भाई कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए। अगर आपको ये भी पता नहीं होगा कि इस कंप्यूटर में क्या मिस्टेक आई है तो आपको कैसे पता चलेगा, आप आगे कार्य कैसे करोगे, ठीक है। तो ये हो गया एरर मैनेजमेंट हो गया। कोई भी मिस्टेक आ जाती है ये ध्यान रखना कि कंप्यूटर के कोई भी प्रोग्राम में एरर आए तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बग, ठीक है। और मॉनिटर की स्क्रीन पर किसी भी मिस्टेक का कोई भी मैसेज आता है तो वो आपको शो करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम शो करता है, ठीक है। अगले की अगर हम बात करें तो वो हो गया फाइल मैनेजमेंट हो गया, ये रहा फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी में डाटा को किस मेमोरी में जाना है वो उसका काम करिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट इसमें क्या हो जाएगा, डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करना, यानी कि कोई भी हार्ड डिस्क है उसके अंदर फाइलों को व्यवस्थित करना कि हार्ड डिस्क में भी क्या होती है, अलग अलग फोल्डरों में फाइलें सेव हो जाती है, तो किस फोल्डर में कहाँ फाइल जानी है उसका काम कौन करेगा, उसका भी कार्य करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट यानी कि डिस्क पर, कहाँ पर है, डिस्क, हार्ड डिस्क पर, हार्ड डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करना किसका कार्य हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, कौन कौन से थे, ये थे, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सीपीयू प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, और ये आपका हो गया यहाँ पे एरर मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। यानी कि कंप्यूटर में जितने भी कार्य होते हैं उन सभी पे नियंत्रण रहता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं करेगा। यानी कि मेमोरी पे इसका नियंत्रण रहता है और इनपुट आउटपुट पर नियंत्रण रहता है, हार्ड डिस्क में फाइलें कहाँ स्टोर रखनी है उस पर इसका नियंत्रण रहता है, फाइल कहाँ पे स्टोर होनी है उस पर इसका नियंत्रण रहता है, और सीपीयू जब प्रोसेसिंग करता है किसी भी प्रोग्राम को तो उसमें से पहले किसको प्रोसेस करना है उस पर भी नियंत्रण कौन रखेगा, उसको भी आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम ही नियंत्रण रहता है। तो ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हो गए, ठीक है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम होते कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन कौन सी हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखो इसमें एक तो हो गया आपका विंडो, ठीक है, एक हो गया आपका एमएस डोस, एक हो गया आपका इसमें लाइनक्स, एक हो गया आपका यूनिक्स, एक हो गया इसमें उबंटू, और छठा हो गया इसमें मैक ओएस। ये इतने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल सबसे ज़्यादा यूज में जो लिया जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो है। अगर किसी भी कंप्यूटर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होंगे या इसके अलावा कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम बच गया तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। वो तो हमने पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम ये कार्य करता है, कंप्यूटर सिस्टम नहीं होगा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके मॉडल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, अब उसके मॉडल पढ़ रहे हैं हम उसमें। तो ये जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इतने, विंडो क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें कई दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये आ जाए कि निम्न में से विंडो क्या है, तो विंडो एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
यूनिक्स क्या है? यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आता किसमें? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर ये कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होंगे तो कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं करेगा। ठीक है, यूं भी बोलते हैं हम कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन कौन से? तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो ये है, ठीक है, ये नहीं होंगे तो कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं करेगा। अगर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंप्यूटरों में तो वो यूज़ किया जाएगा, वो यूज़ किया जाता है विंडो, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। नॉर्मल अगर हम यूज़ करते हैं तो विंडो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, एमएस डॉस क्या हो गया? एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिनक्स आ जाता है, यूनिक्स आ जाता है, उबंटू आ जाता है, मैक ओएस आ जाता है, मैकिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडो हो गया, एमएस डॉस हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, उबंटू हो गया, मैक ओएस की अगर हम बात करें तो मैकिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। यानी कि ये सारे के सारे क्या, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम यूं पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी है? वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अगर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होंगे तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य पढ़े थे। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये जरूरी है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आशा करता हूँ आपकी ये वीडियो समझ में आई होगी, तो ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।